दोस्तों बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ये वाला कंट्रोलर खरीदे या फिर ये वाला कंट्रोलर खरीदे। प्राइस के बारे में बात करें तो ये 400 में मिल जाता है, ये 1500 में मिल जाता है। ये नॉर्मल कंट्रोलर है और ये एक्सबॉक्स कंट्रोलर है। ये नॉर्मल कंट्रोलर में आप प्लेस्टेशन 1, प्लेस्टेशन 2 या फिर कोई नॉर्मल गेम्स या फिर मोबाइल से कनेक्ट करके ये कंट्रोलर से गेम्स खेल सकते हो, और ये वाला कंट्रोलर में आप एक्सबॉक्स गेम्स भी खेल सकते हो। प्लेस्टेशन वन प्लेस्टेशन टू नॉर्मल गेम्स मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो और एक्सबॉक्स के गेम्स भी खेल सकते हो। इसमें RGB लाइटिंग भी आपको देखने को मिलती है। ये वाला कंट्रोलर अगर आप एक्सबॉक्स गेम्स खेलते हो या फिर PC में एक्सबॉक्स गेम्स खेलते हो तो ये वाले कंट्रोलर के साथ जाइए। अगर आपके पास नॉर्मल गेम्स है और अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलना चाहते हो तो ये वाला कंट्रोलर के साथ जाइए। और इसमें RGB लाइटिंग के साथ लुक भी बहुत ही अच्छा नजर आता है। ये लुक एकदम डिसेंट और नॉर्मल लुक है। अगर आप दोनों में से कोई एक कंट्रोलर खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ही सोच कर खरीद लीजिएगा। ये दोनों में से ये खरीदने के लिए डिपेंड करता है कि आप किस वजह से किस गेम को खेलने के लिए आप खरीद रहे हो, तो दोनों में से कोई भी एक खरीद सकते हो आप। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।